हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जिम्नोस्पर्म को कंप्लीट कर लिया था और केवल जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व रहा था, तो आज हम जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व को कंप्लीट करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे एंजियोस्पर्म और जो आप लोगों की 12th क्लास में चैप्टर दे रखा है ना, सेकेंड पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, तो उसको और जो 11th क्लास में जैसे एंजियोस्पर्म का कुछ दे नहीं रखा, तो जो 12th क्लास में दे रखा है उसको ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो देखो, इसके आर्थिक महत्व के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, एक तो सजावट के रूप में, भोजन के रूप में, और औषधीय महत्व के रूप में, और एक इसका महत्व होता है औद्योगिकीय महत्व। तो ये इसका महत्व होता है। जैसे सजावट के रूप में हम माने, तो सजावट के रूप में जो साइकस होता है, तो साइकस का प्रयोग सजावट के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इसका यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। देखो, इसका दूसरा है भोजन के रूप में, तो जब भोजन के रूप में हम इसका जिम्नोस्पर्म का उपयोग करते हैं, तो चिलगोजा, चिलगोजा जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिलगोजा जो कि खाने के रूप में यूज किया जाता है, तो ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त किया जाता है, पाइनस जियारडियाना से, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रहेगा कि चिलगोजा किससे प्राप्त करते हैं, पाइनस जियारडियाना से, बहुत एग्जामों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा सागो प्लाम किसे बोलते हैं, तो साइकस रेवुलोटा को, ठीक है। सागो प्लाम किसको बोलते हैं, साइकस रेवुलोटा को बोलते हैं। इसके अलावा देखो, इसका तीसरा महत्व है औद्योगिकीय महत्व। तो इसका औद्योगिक महत्व देखो किस प्रकार है, आप लोगों ने टेक्सोल सुना होगा, तो टेक्सोल किससे प्राप्त किया जाता है, टेक्सस की छाल से। तो टेक्सस एक प्रकार का कौन सा प्लांट होता है, जिम्नोस्पर्म होता है। तो टेक्सोल किससे प्राप्त किया जाता है, टेक्सोल किससे प्राप्त किया जाता है, टेक्स जो एक जिसका यूज किस में होता है, प्रतिकैंसर औषधि के रूप में, ठीक है। तो प्रतिकैंसर औषधि के रूप में यूज होता है टेक्सोल का, जो कि टेक्सस की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा एफिड्रीन, एफिड्रीन भी आप लोगों ने सुना होगा कि खांसी सर्दी की जो जुकाम हो जाती है, तो जुकाम में ली जाने वाली जो औषधि होती है एफिड्रीन, जो प्राप्त की जाती है हमारे एफिड्रा से। और एफिड्रा एकमात्र कौन सा ऐसा जिम्नोस्पर्म था जो हमारे राजस्थान में मिलता है। तो एफिड्रीन एफिड्रा से प्राप्त की जाती है, टेक्सोल टेक्सस से प्राप्त की जाती है। अब इसका देखो औद्योगिक महत्व, औद्योगिक महत्व में आप लोगों को याद रखना है कि रेंजिन जो जिम्नोस्पर्म होता है, तो जिम्नोस्पर्म का यूज हम रेंजिन बनाने के लिए करते हैं। तो फॉसिल रेंजिन किससे प्राप्त होता है, पाइनस सक्शिनिफेरा से। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फॉसिल रेंजिन किससे प्राप्त होता है, पाइनस सक्शिनिफेरा से। इसके अलावा ट्रिपेनाइन जिसका उपयोग हम लैब में करते हैं, तो ये किससे प्राप्त होता है, कनाडा बांसम से। तो ये आप लोगों को तीन क्वेश्चन तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन क्या पांच क्वेश्चन। एक तो फॉसिल रेंजिन किससे प्राप्त होता है, पाइनस सक्सिनिफेरा से, ट्रिपेंटाइन कनाडा बालसम से, इसके अलावा टेक्सोल जो टेक्सस की छाल से, एफिड्रिन एफिड्रा से, और चिलगोजा, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है, पाइनस जियारडियाना से। इसके अलावा एक तारपीन का तेल होता है, जो तारपीन का तेल भी किससे प्राप्त किया जाता है, पाइनस से ही प्राप्त किया जाता है। तो देखो तारपीन का जो तेल होता है वो किससे प्राप्त करते हैं, पाइनस से करते हैं। अब हमने पीछे जैसे साइकस और पाइनस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, और यहाँ पे एक रह गया था गिंगो बायलोबा। तो गिंगो बायलोबा क्या है, गिंगो बायलोबा जिम्नोस्पर्म का जीवित जीवाश्म कहते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसा प्लांट है जो जीवाश्म के रूप में मिलता है, कौन, गिंगो बायलोबा। तो देखो यहाँ से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको मेडन हेयर ट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी जो पत्तियां है वो एडियंटम फर्न, सुना था आपने जैसे टेडोफाइटा में हमने फर्न पढ़ा था, फर्न में एग्जाम्पल पढ़ा होगा एडियंटम, तो एडियंटम फर्न होता है उसकी समान इसकी लीफ पाई जाती है, इनकी बिखरी हुई पत्तियां पाई जाती है। तो इसको मेडन हेयर ट्री के नाम से जाना जाता है, गिंको बायलोबा। इसके अलावा जो इसके मेल गेमिट होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, चल नर युग्मक प्रजेंट होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि बताओ जैसे चल नरयुग्मक और किस में मिलते थे, साइकस और पाइनस में, साइकस और पाइनस में पढ़ा था हमने, तो किस में मिलते थे, साइकस है, साइकस में चल नरयुग्मक मिलते थे सीलिएटेड, ठीक है। इसके अलावा पाइनस में, पाइनस में जो नरयुग्मक थे वो असमान होते थे और अचल थे, जबकि साइकस में कैसे थे, समान साइज के थे और चल नरयुग्मक थे। तो गिंगो बायलोबा में भी कैसे मिलते हैं, चल नरयुग्मक मिलते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। तो हमारा जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो चुका, अब हम स्टार्ट करेंगे एंजियोस्पर्म को, जो हमारे 12th क्लास में दे रखा है।
तो हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। तो देखो एंजियोस्पर्म होता है यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त बीजी। तो यानी इनके जो बीज होते हैं वो किससे आवृत होंगे, फल भित्ति से आवृत होंगे। तो फल भित्ति से आवृत बीज युक्त पादपों को हम क्या बोलते हैं, आवर्त बीजी। क्यों? क्योंकि इसमें अंडाशय पाया जाता है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद फल में परिवर्तित हो जाता है। तो फल के अंदर बीज मिलते हैं इनमें, ठीक है। तो फल बीज युक्त फल वाले प्लांट बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म को। इसके अलावा पादप जगत के सर्वाधिक विकसित पादप और सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्लांट भी कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। अब देखो ये हमने पढ़ी लिया कि इनमें अंडाशय पाया जाता है जो निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित हो जाता है। सबसे छोटा आवर्त बीजी, ये बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे छोटा आवर्त बीजी होता है वोल्फिया कहलाता है, और सबसे बड़ा आवर्त बीजी कौन सा है, यूकेलिप्टिस, ठीक है। तो यूकेलिप्टिस सबसे बड़ा आवर्त बीजी और सबसे छोटा आवर्त बीजी कौन सा है, वोल्फिया। देखो पोषण, अधिकांश जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कुछ मतलब प्लांट ऐसे होते हैं जो विषमपोषी भी होते हैं। विषमपोषी का मतलब है कि ये अपने पोषण के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे एक तो होते हैं परजीवी और एक होते हैं आंशिक विषमपोषी। तो परजीवी के रूप में देखो अमरबेल, आपने नाम सुना होगा, जो अमरबेल होता है वो दूसरे प्लांट पे पाया जाता है। इसके अलावा कुस्कुटा और ओरोबेंकी, जो तीन ऐसे प्लांट है जो पैरासिटिक होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि अमरबेल, कुस्कुटा और ओरोबेंकी कैसे प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट होते हैं, परजीव प्लांट होते हैं। इसके अलावा आंशिक विषमपोषी में देखो, आंशिक विषमपोषी यानी कीट भक्षी, कीटों का भक्षण करने वाले प्लांट, ठीक है। तो देखो इसमें आता है घटपर्णी, घटपर्णी को हम नेफंतीज बोलते हैं, ठीक है। नेफंतीज क्या है, घटपर्णी। तो घटपर्णी यानी कि नेफंतस, ठीक है। इसके अलावा विनस फ्लाई ट्रैप, तो ये कैसे होते हैं, आंशिक विषम पोषी प्लांट होते हैं। और ये आप लोगों के मॉर्फोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसमें दे रखा है, तो आप लोगों को याद रखना है इसको कि आंशिक विषम पोषी कौन से होते हैं, विनस फ्लाई ट्रैप और नेफंतस। इसके अलावा पैरासिटिक प्लांट कौन से होते हैं, अमरबेल, कुस्कुटा और ओरोबेंकी, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारे क्लास 12th में दे रखा है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। तो सेकेंड चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे प्लांट है जिनमें पुष्प का निर्माण होता है। क्या जिम्नोस्पर्म में होता था, जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल कोण बनते थे, ठीक है, जो पुष्पों के समजात होते थे लेकिन वो एक्चुअल में पुष्प नहीं होते थे। तो पुष्पीय पादप किसको बोलते हैं, मेनली एंजियोस्पर्म को बोलते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पुष्प, फिर निषेचन पूर्व की घटनाएं, फिर थर्ड पार्ट पढ़ेंगे निषेचन पश्चिम की घटनाएं, फिर डबल फर्टिलाइजेशन, फिर असंजनन और बहुभ्रूणता। जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा था, वहाँ पे कोई डबल फर्टिलाइजेशन नहीं था, तो डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है, ये हम समझेंगे आगे। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुष्प, पहला पॉइंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, पुष्प पढ़ेंगे हम। तो देखो पुष्प होता है वो पादप का लैंगिक जनन के लिए रूपांतरित प्रो है। प्रो का मतलब क्या है, तना। तो देखो जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है तो प्लांट में क्या होता है, हार्मोनल चेंज होता है। तो जैसे हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, तो जैसे हमने पढ़ा है कि तना होता है, तना में एक तो नोड होती है और एक ये तो नोड होती है और इनके बीच वाली क्या होती है, इंटर नोड होती है। तो नोड वह स्थान होती है जहाँ से पत्तियाँ निकलती है। तो तने का जो शीर्षस्थ भाग होता है उसमें विभाजन होता है, विभाजन से जो नोड वाला भाग होता है वहाँ पर किसका निर्माण होता है, पुष्प का निर्माण होता है। तो पुष्प का निर्माण किससे होता है, तने से ही निर्माण होता है, तने के शीर्षस्थ विभाजक से इसका निर्माण होगा। तो पुष्प क्या है, पादप का लैंगिक जनन के लिए रूपांतरित प्रव, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल पाए जाएंगे। तो देखो एक जो प्रत्येक पुष्प होता है, तो पुष्प के चार चक्र होते हैं, ठीक है। एक पुष्प के कितने चक्र होते हैं, चार चक्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो ये तो है पुष्पासन, ये जो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिख रही है ये तो है पुष्पासन। पुष्पासन क्या होता है, पुष्पासन पे जो पुष्प के चारों चक्र होते हैं, तो चारों चक्र क्या होते हैं, व्यवस्थित रूप से पाए जाते हैं। तो पुष्पासन क्या होता है, जिसपे चारों जो पुष्प के चारों चक्र है वो व्यवस्थित रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन। और ये होता है इसका डंठलनुमा जो संरचना होती है पुष्पासन की, उसको हम बोलते हैं पेडिकल यानी कि पुष्प व्रंथ। क्या बोलते हैं, पेडिकल यानी कि पुष्प व्रंथ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है।
तो पुष्पासन होता है, पुष्पासन की जो डंठल नुमा संरचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिकल यानी कि पुष्प व्रंथ। अब देखो प्रत्येक जो पुष्प होता है ये यहाँ पे लिख रखे हैं, प्रत्येक पुष्प में चार चक्र होते हैं, कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो देखो हम इस डायग्राम में देखते हैं, तो ये हमारा पुष्पासन है ठीक है, और ये बाहर की ओर हमारे को दिख रहे हैं, ये क्या है, ये है बाह्य दल, क्या है, बाह्य दल, और ये क्या दिख रहे हैं हमारे को, ये हमारे को दिख रहे हैं, मैं लाइनिंग कर देती हूँ, ये हमारे दल, क्या है, दल ठीक है। तो नीचे की ओर तो क्या है, बाह्य दल, और ये ऊपर की ओर क्या है, दल है, और ये क्या है हमारे, पुमंग है, और ये क्या है, जायांग है ठीक है। अब देखो जो बाह्य दल होता है तो बाह्य दल की प्रत्येक इकाई को हम क्या बोलते हैं, जैसे तो बाह्य दल की इकाई क्या होती है, बाह्य दल की इकाई क्या होगी यहाँ पे, सेपल ठीक है, ये बाह्य दल की इकाई लिख रखी है मैंने, सेपल। जैसे देखो ये भी बाह्य दल है, ये भी बाह्य दल है, ये भी बाह्य दल है, लेकिन इसकी प्रत्येक इकाई को हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलेंगे। ऐसे ही जैसे दल होता है, तो जैसे हम ऐसे मतलब आप लोग ऐसे समझो कि जैसे ये मैंने ग्रुप बना दिया, अब इसमें मान लो पांच पांच बाह्य दल है, तो इसकी प्रत्येक इकाई को हम क्या बोलेंगे, सेपल ठीक है। इसको मैं अलग रख दूँ इस, तो इसकी प्रत्येक इकाई को हम क्या बोलेंगे, सेपल। तो बहुत सारे बाह्य दलों का जो ग्रुप होता है, बहुत सारे जो सेपल्स होते हैं वो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, बाह्य दल का। ऐसे ये दल है, तो दल की प्रत्येक इकाई को हम क्या बोलेंगे, पेटल, यानी कि बहुत सारे पेटल मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, दल का निर्माण करेंगे। तो दल की प्रत्येक इकाई को हम क्या बोलते हैं, पेटल ठीक है। ऐसे ही पुंकेसर है, देखो इसमें एक दो तीन चार पुंकेसर है, तो इन चारों को हम क्या बोलेंगे, चारों को हम बोलेंगे पुमंग, लेकिन इसकी प्रत्येक इकाई क्या कहलाएगी, इस प्रत्येक इकाई को हम बोलेंगे पुंकेसर ठीक है। तो ये पुमंग किसको डिनोट करता है, ये करता है मेल को, नर जननांग को। ऐसे ही मादा में क्या होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, जायांग। तो जायांग में, जायांग की प्रत्येक इकाई को हम क्या बोलते हैं, अंडप, क्या बोलेंगे हम, अंडप बोलेंगे। जायांग की प्रत्येक इकाई को हम क्या बोलेंगे, अंडप, कि बहुत सारे अंडप मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, जायांग ठीक है। तो देखो ये जायांग में ये अंडप है, एक स्ट्रक्चर हम माने अंडप, तो अंडप की जो ऊपर वाली संरचना है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीगमा यानी वर्तिकाग्र, और ये बीच वाली पतली डंठल नुमा संरचना है उसको हम स्टाइल बोलते हैं यानी कि वर्तिका बोलते हैं, और ये हमारा होता है अंडाशय जो केवल एंजियोस्पर्म में ही पाया जाता है, और इसके अंदर होता है ये ओव्यूल, बीजांड, और इस बीजांड के अंदर क्या लगे हुए होते हैं, क्या लगी हुई होंगी, सॉरी ये अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर ये बीजाण लगे हुए होते हैं ठीक है, ये बीजाण लगे हुए होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट होता हो जाता है, बीज में। तो बीजाण किस में हो जाता है, बीज में, और अंडाशय किस में हो जाता है, फल में हो जाता है ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखो प्रत्येक पुष्प में चार चक्र होते हैं, बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दल की इकाई को हम क्या बोलते हैं, सेपल, और दल की इकाई को पेटल ठीक है, और पुमंग की इकाई को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, पुंकेसर, पुंकेसर या स्टेमन ठीक है। ऐसे हम जायांग की प्रत्येक इकाई को हम क्या बोलेंगे, अंडप यानी कि कार्पल। अब हम प्रत्येक का पढ़ते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखो अब हम पढ़ेंगे, देखो बाह्य दल, बाह्य दल पुंज के बारे में हम पढ़ेंगे, तो बाह्य दल पुंज को हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स। तो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, ये प्राय कैसा होता है, हरी पत्तियों के जैसा होता है, तो कैसा होगा, ये ग्रीन कलर का होता है यानी कि हरी पत्तियों के जैसा होगा, और सबसे बाह्यतम चक्र कौन सा होता है, बाह्य दल पुंज ठीक है। और कलिकावस्था में इसका कार्य क्या होता है, पुष्प की सुरक्षा करना ठीक है, और इसकी प्रत्येक इकाई को हम क्या बोलते हैं, सेपल, जैसा कि हमने डायग्राम में पढ़ लिया था कि सबसे जो ग्रीन कलर के आपने पुष्प देखा होगा, तो उसमें जो ग्रीन कलर की आपको संरचना दिखाई देती है वो क्या होते हैं, उसके प्रत्येक इकाई को हम क्या बोलते हैं, सेपल ठीक है। ऐसे ही कोरोला, कोरोला को हम क्या बोलते हैं, दलपुंज। तो ये कैसा होता है, जैसे पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कौन सा होता है, कैलिक्स, तो कैलिक्स के अंदर की ओर पाया जाएगा, जो कि आपको जैसे गुलाब के फूल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो गुलाबी कलर की है, जो रेड कलर की जो पंखुड़ियाँ होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोला, यानी वो क्या होता है, दल, और उसकी प्रत्येक इकाई को हम क्या बोलते हैं, पेटल ठीक है। तो ये प्राय कैसे होते हैं, चमकीले रंग के होते हैं दल,
और परागण के लिए क्या करते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि चमकीले कलर के होते हैं जिसके कारण कीट इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और पत्ते की इकाई क्या कहलाती है, पेटल। और ये भी क्या कार्य करते हैं, सुरक्षा का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम देखो केलिक्स और कोरोला पुष्प के सहायक चक्र होते हैं। सहायक का मीन्स क्या हुआ कि ये पुष्प की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। तो ये पुष्प के सहायक चक्र होते हैं। एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पुष्प के सहायक चक्र कौन से होते हैं और आवश्यक चक्र कौन से होते हैं। तो जो बाह्य दल और दलपुंज होते हैं ये तो क्या होते हैं, पुष्प के सहायक चक्र होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आवश्यक चक्र जिसमें आता है पुमंग और जयांग। तो देखो थर्ड थर्ड पार्ट देखो पुमंग, पुमंग देखो पुमंग को क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। तो ये पुंकेसरों से मिलकर के बना होता है। हमने पढ़ा कि जो पुमंग होती है पुमंग की परत की इकाई को क्या बोलते हैं, पुंकेसर। यानी बहुत सारे पुंकेसर मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, पुमंग का निर्माण करते हैं। तो देखो ये पुंकेसरों से मिलकर के बना होता है, अर्थात इसकी इकाई क्या होती है, पुंकेसर। क्या होती है, पुंकेसर या स्टेमन होती है। ये पुष्प का कौन सा जननांग होता है बताओ, पुमंग कौन सा जननांग होता है, नर जननांग होता है। अब देखो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि बंदे पुंकेसर जो जनन करने में असमर्थ होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनोइड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है एग्जाम में कि बंदे पुंकेसर जो जनन करने में असमर्थ होता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, स्टेमिनोइड। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये जो एनसीईआरटी के 11th क्लास में एनसीईआरटी है ना आपकी, तो उसका मोर्फोलॉजी पार्ट है, उसमें दे रखा है ये, तो आप लोगों को याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे जायांग के बारे में, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो अब हम पढ़ेंगे जायांग। तो जायांग क्या होता है, ये पुष्प के मादा जननांग होते हैं, ठीक है, एक से अधिक अंडकों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे पुमंग था वो एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर के बना होता था, वैसे ही जायांग एक से अधिक अंडकों से मिलकर के बना होता है, अर्थात इसकी इकाई क्या होती है, अंडप या कार्पल। अंडप को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्पल। तो जायांग की परते की इकाई को हम क्या बोलते हैं, कार्पल। यानी बहुत सारे कार्पल मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, जायांग का निर्माण करते हैं। अब देखो जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये पुष्प के कौन से भाग होते हैं, आवश्यक भाग होते हैं। क्यों, क्योंकि ये लैंगिक जनन में सम्मिलित होते हैं। तो ये लैंगिक जनन में सम्मिलित होते हैं, अर्थात प्रजनन का कार्य करते हैं। कौन, जायांग और पुमंग। क्यों, पुमंग तो मेल जननांग होता है और जायांग कौन, जायांग क्या होता है, पुष्प के मादा जननांग होते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, इसीलिए इनको पुष्प के आवश्यक भाग कहा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि पुष्प के सहायक भाग कौन से हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, और पुष्प के आवश्यक भाग कौन से हैं, तो एंड्रोसियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, अब हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया पुष्प, और सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे निषेचन पूर्व की संरचनाएं। ठीक है, तो निषेचन से पहले किन किन संरचनाओं का निर्माण होता है, या फिर कौन कौन सी घटनाएं होती है फर्टिलाइजेशन से पहले। तो पहले हम पढ़ेंगे पुष्प के नर जननांग यानी कि पुमंग के बारे में। ठीक है, तो उनमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो हार्मोनल प्लांट में भी क्या होते हैं, हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। हार्मोनल परिवर्तन की वजह से उनका जैसे नर जननांग और मादा जननांग होता है, तो उनमें भी परिवर्तन होते हैं। उनमें लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होगा, परागकणों का निर्माण होगा, कैसे वो वर्तिकाग्र पे जाएंगे, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फिर उनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होकर कैसे उनमें फल का निर्माण होगा, तो ये हम पढ़ेंगे। तो देखो पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है, पुमंग, पुमंग कहलाता है। क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है, पुमंग कहलाता है। और पुमंग की परते की इकाई को हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे पुंकेसर, पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे पुंकेसर, सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे हम लघु बीजाणु धानी, और थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम प्राग कण। ठीक है, तो हम देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं पुष्प में के नरजननांग भाग में पुंकेसर। तो देखो पुंकेसर यानी स्टेमन, तो पुमंग की परते की इकाई बताओ क्या कहलाती है, पुंकेसर यानी स्टेमन कहलाती है। और एक प्रारूपिक पुंकेसर कितने भागों से मिलकर के बना होता है, दो भागों से। अब जैसे आप है ना पुरानी एनसीईआरटी में देखोगे जो पहले चलती थी, तो उसमें तो बता रखा है कि पुंकेसर तीन भागों से मिलकर के बना होता है, यानी एक प्राकोष, पुतंतु और योजी। योजी को भी उन्होंने पुंकेसर का भाग ही माना है, लेकिन जो नई एनसीईआरटी है उसमें से बता रखा है कि पुंकेसर होता है वो दो भागों से मिलकर के बना होता है। तो आपके ऑप्शन में आ जाएगी दो भागों से मिलकर के बना होता है, तीन से। तो आप आंसर कौन सा दोगे, दो भागों से मिलकर के बना होता है। क्यों, क्योंकि योजी तो उन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है,
तो देखो एक प्रारूपिक पुंकेसर दो भागों से मिलकर के बना होता है, जिसमें होता है प्राकोष और दूसरा होता है पुतंतु यानी फिलामेंट, और इसको क्या बोलते हैं एंथर। प्राकोष को हम क्या बोलते हैं एंथर, ठीक है, क्या बोलेंगे एंथर, और इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो देखो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये हमारा क्या है स्टेमन यानी पुंकेसर है। तो पुंकेसर की दो संरचनाएं, ये है प्रागकोष और ये यहाँ पे होता है योजी और ये है पुतंतु। तो पुतंतु और प्राकोष को आपस में जोड़ने वाली संरचना होती है जिसको हम कहते हैं योजी, यानी कि एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जो प्राकोष और पुतंतु को आपस में जोड़ता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे पुतंतु के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्राकोष के बारे में। तो देखो जो पुतंतु होता है ये धागे नुमा संरचना होती है, कैसी होती है पतली धागे नुमा संरचना होती है, जो इसका आधारीय भाग होता है। आधारीय भाग का मीन्स होता है जैसे देखो ये नीचे की ओर बताओ किससे जुड़ा होता है पुष्पाधल से जुड़ा होता है। तो इसका जो आधारीय भाग होता है, आधारीय भाग को हम क्या बोल सकते हैं समीपस्थ छोर, ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है समीपस्थ छोर, किससे जुड़ा होता है पुष्पासन या दल से जुड़ा हुआ होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ये है पुतंतु, तो पुतंतु का समीपस्थ सिरा कौन सा होता है, तो कौन सा होगा यहाँ पे इसका समीपस्थ यानी कि आधारीय भाग कौन सा होगा, कौन सा होगा पुष्पासन या हम बोल सकते हैं दल की, किससे जुड़े होते हैं पुष्पासन से ही तो जुड़े होते हैं। अब देखो ये मान लो क्या है हमारा पुष्पासन है, पुष्पासन से ही तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इसका आधारीय भाग, तो जो आधारीय भाग होगा वो इसका कौन सा भाग होगा समीपस्थ छोर, तो इसका समीपस्थ छोर बताओ कौन सा होता है पुष्पासन ना कि प्राकोष। आंसर में प्राकोष मत कर देना, प्राकोष इसका कौन सा भाग होता है शीर्ष भाग होता है। तो देखो पुतंतु का शीर्ष भाग योजी द्वारा प्राकोष से जुड़ा हुआ होता है, तो पुतंतु किससे जुड़ा होता है प्राकोष की, किसकी सहायता से योजी की सहायता से। तो आप लोगों को याद रखना है कि पुतंतु का समीपस्थ भाग तो कौन सा होता है पुष्पासन और इसका दूरस्थ भाग कौन सा होता है प्रागकोष, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्राकोष की संरचना। तो देखो प्राकोष होता है, तो प्राकोष क्या होता है देखो, तो प्राकोष एक ऐसी जनन संरचना है जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, किसका निर्माण होता है प्राग कणों का निर्माण होता है। तो देखो प्राकोष, प्राकोष एक जनन संरचना होती है जिसमें किसका निर्माण होगा प्राग कणों का निर्माण होगा, और वो कैसे होगा वो हम पढ़ेंगे। तो देखो पहले हम ऐसे पढ़ेंगे जो प्रागकोष होता है, जैसे हमने पढ़ा कि जो प्राकोष होता है आप लोगों ने उसकी ऐसी संरचना देखी, तो प्राकोष होती है एक कैसी संरचना होती है द्विपालित संरचना होती है, कैसी संरचना होती है द्विपालित यानी इसमें दो लोब होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो कैसा होता है चतुष्कोणीय होता है, यानी कि देखो प्राकोष ऐसा होता है, जब हम इसका डायग्राम देखेंगे, मैंने आगे डायग्राम बना रखा ऐसे, तो ये दो लोब है, ठीक है, और इसमें प्रत्येक जो लोब होता है उसमें कितनी लघु बीजाणु धानियां होती है दो लघु बीजाणु धानियां होती है। इस प्रकार ये कैसी होती है चतुष्कोणीय, क्यों, क्योंकि चार लघु बीजाणु धानियों के मतलब इसमें आप ऐसे सोच सकते हो कि चार कोणों का फॉर्मेशन होता है, देखो ये चार कोण ऐसे निकले हुए हैं, तो ये कैसी संरचना होती है चतुष्कोणीय संरचना होती है, यानी कि प्रत्येक जो पाली होती है उसमें कितनी लघु बीजाणु धानियां होती है दो, तो पूरे प्राकोष में कितनी हो गई चार हो गई, ठीक है। इस प्रकार ये द्विपालित चतुष्कोणीय और चार लघु बीजाणु धानियों का बना हुआ होता है। अब देखो प्रत्येक पाली में क्या होती है दो लघु बीजाणु धानियां होती है, एक जो प्राकोष होता है प्राकोष की दोनों पालियां एक समन्वय ऊतक के द्वारा जुड़ी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं योजी, या फिर हम योजी को क्या बोल सकते हैं कि जो पुतंतु को प्राकोष से जोड़ता है, यानी कि दोनों पालियां होती है ना, हम ऐसे पढ़ेंगे यहाँ पे होता है योजी, तो ये दोनों पालियों को भी जोड़ रहा है और यहाँ से निकल रहा है हमारा पुतंतु, ठीक है। तो ये पुतंतु और प्राकोष को आपस में जोड़ने वाली संरचना होती है कौन योजी। अब देखो एक परिपक्व प्राकोष होता है वो कैसा होता है चतुर्बीजाणु धानी को होता है, ये हमने पढ़ लिया, क्योंकि क्यों होता है चतुर्बीजाणु धानी, क्योंकि एक प्राकोष में कितनी बीजाणु धानियों का निर्माण होता है चार लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। ये देखो ये मैंने प्राकोष का डायग्राम बनाया है, ये पोलेन शेक, जब प्राकोष होता है
जब लघु बीजाणुधान या होते हैं, लघु बीजाणुधान या अपने प्राकणों को मतलब प्राकोष परिपक्व होगा। परिपक्व होने से क्या होगी कि लघु जो ये लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, तो लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो जब लघु बीजाणुधानी से परागकण यानी मुक्त हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे लघु बीजाणु, तो फिर उन लघु बीजाणुधानियों को क्या बोलते हैं, हम प्रत्येक पाली को हम क्या बोलते हैं, पोलन सेक यानी पराग थैली। तो प्राग थैली का मतलब ही क्या होता है, जिनमें प्राकणों का निर्माण हो जाता है। तो ये प्राकण बाहर चले जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राग थैली यानी कि पोलन शेक। और इसके अंदर देखो पोलन ग्रेन बने हुए होंगे। तो आप एक बात आप सोच रहे होंगे कि ये लघु बीजाणु धानी क्या होते हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो वहाँ पे जैसे लघु बीजाणु पर्ण एक संरचना होती थी पत्ती की, जैसे लघु बीजाणु पर्ण संरचना होती थी जिसको हम क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी। तो बीजाणुधानी हमारे पास दो प्रकार की होती थी, एक तो लघु बीजाणुधानी, एक गुरु बीजाणुधानी। जो लघु बीजाणुधानी है वो किसको डिनोट करती है, मेल को। गुरु बीजाणुधानी किसको करती है, फीमेल को। ठीक है, तो जो बीजाणु पर्ण जो संरचना, ठीक है, तो जो बीजाणु पर्ण होती थी पत्ती की जैसी संरचना, उस पर हमारे क्या पाई जाती थी, लघु बीजाणुधानी। अब यहाँ पे हमारे पास लघु बीजाणु पर्ण नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे किसका निर्माण हुआ है, पराग कोष का। तो बताओ एंजियोस्पर्म में जो पराग कोष होता है वो किसके सम्मिलित होता है, लघु बीजाणु पर्ण के। यानी कि वहाँ पे तो लघु बीजाणु पर्ण होती थी, उस पे लघु बीजाणुधानी पाई जाती थी। यहाँ पे प्राकोष है, प्राकोष के अंदर लघु बीजाणुधानी पाई जा रही है। तो प्राकोष किसके समान हुआ, लघु बीजाणु पर्ण के समान हुआ। और उसमें किसके किसका निर्माण हो रहा है, लघु बीजाणु धानियों का निर्माण हो रहा है। अगर हम इसकी गुणिता पूछे तो बताओ गुणिता कैसी होगी, 2n होगी। क्यों, क्योंकि किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और इसके अलावा टेरिडोफाइट, इन तीनों में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। और स्पोरोफाइट होता है वो तना, पत्ती और जड़ में बटा हुआ होता है। तो पत्ती जो पत्तीनुमा संरचना होती है वो या तना, वो क्या होता है, स्पोरोफाइट ही होता है। और उस पर हमारे पुष्प लगते हैं। तो पुष्प भी एक ऐसी संरचना होती है, द्विगुण संरचना होती है। पुष्प में किसका निर्माण होता है, पुमंग और जयांग का निर्माण होता है। और अब हम पढ़ रहे पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर के अंदर हमारी पाई जा रही है लघु बीजाणु धानी। देखो ये एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, आप ये डायग्राम बना सकते हैं कि इसमें ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन शेक है। जब प्राकण से बाहर चले जाएंगे तब इसको हम क्या बोलते हैं, पोलन शेक। तो लघु बीजाणु धानी को ही बोलते हैं हम पोलन शेक। तो एक प्राकोष में कितने पोलन शेक होते हैं, दो, ठीक है, एक पोलन शेक ये वाला, एक पोलन शेक ये वाला, ठीक है। और ये नीचे की ओर क्या होता है, फिलामेंट होता है। अब देखो जो मालवेसी कुल के जो प्लांट होते हैं जैसे भिंडी, कपास, तो इनमें क्या होता है कि प्राकोष होता है वो एक पालित होता है। तो ये आप नोट करके लिख लेना कि प्राकोष एक पालित, एक पालित प्राकोष किसमें पाया जाता है, मालवेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। अर्थात यहाँ पे कितनी लघु बीजाणुधानियाँ होती है, दो ही होती है। क्योंकि एक ही लोब होता है, तो एक लोब में कितनी लघु बीजाणुधानियाँ होती है, दो। तो मालवेसी कुल के जो प्लांट होते हैं उनके प्राकोष में कितनी लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती है, दो पाई जाती है। आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार। हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है प्रागकोष की संरचना दे रखी है। तो देखो ये प्राकोष है, प्रत्येक प्राकोष में ये दो पालियां हैं, एक लोब ये होता है, एक लोब ये होता है। प्रत्येक लोब में, प्रत्येक जो लोब होता है यानी कि प्रत्येक जो पाली होती है इसमें कितनी लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है, दो लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। और ये हमारा होता है योजी, जो इनको आपस में भी जोड़ता है। और यहाँ से क्या जुड़ा होता है, पूतंतु जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। और यहाँ पे देखो चार लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। अब पढ़ेंगे कि जो प्राकोष होता है, प्राकोष की चारों ओर कितनी भीतियाँ पाई जाती है। तो देखो स्टूडेंट, प्राकोष की चारों ओर कितनी भीतियाँ पाई जाएगी, चार भीतियाँ पाई जाएगी। कौन कौन सी, देखो एक तो ये अपन को बाहर की ओर दिख रही है ये वाली, ये हमारी एपिडर्मिस। कौन सी है ये, एपिडर्मिस। तो देखो ये लिख रखा है मैंने एपिडर्मिस, ये वाली कौन सी भित्ति है, एपिडर्मिस, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा। और ये आप लोगों को एकल परत के रूप में दिख रही होगी। तो आप लोगों ने प्लांट टिश्यू में भी पढ़ा होगा 11th क्लास में कि जो एपिडर्मिस होती है सदैव कैसी होती है, एक कोशिकीय होती है, यानी एक परत के रूप में ये पाई जाती है। तो यहाँ पे भी प्राकोष में एपिडर्मिस होती है तो वो कैसी होगी, एक परत होगी। दूसरा देखो एंडोथीसियम, ये जस्ट इसके नीचे पाई जाएगी। तो एपिडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली परत कौन सी है, एंडोथीसियम, यानी इसको बोलते हैं अंतस्थीसियम, ठीक है। तो ये भी बताओ कैसी होगी, एकल परत के रूप में होती है। हमारे डायग्राम में दिखा रखा एकल परत के रूप में होगी एंडोथीसियम। तीसरी लेयर होती है मिडिल लेयर, ठीक है, मिडिल लेयर देखो ये वाली,
ये हमारी लघु बीजाणु धानी है, इसके चारों ओर पाई जा रही मिडिल लेयर। तो ये दो से तीन परत हो सकती है, एक से तीन परत हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और तीन भी हो सकती है। और ये होती है वो पेरेन्काइमा टिश्यू की मिलकर के बनी होती है। अब जैसे हमने प्लांट टिश्यू में हम पढ़ेंगे, वैसे तो मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तक, कि जहाँ पे भी ऐसे आ जाए कि पेरेन्काइमा, तो पेरेन्काइमा का कार्य आप लोगों ने इतना तो सुना होगा कि जो पेरेन्काइमा होती है यानी मर्दुतिकीय कोशिकाएं, वो क्या होती है, भोजन संश्लेषण का कार्य करती है। तो यहाँ तो ये किसकी बनी होती है, पेरेन्काइमा की बनी होती है। तो इसका कार्य क्या होगा, ये भोजन को संचित करके रखती है, स्टोर करके रखती है। चौथी कोशिका है हमारी टेपिडम। तो ये प्राकोष की सबसे आंतरिक भित्ति कौन सी है, टेपिडम। सबसे बाएं एपिडर्मिस, जस्ट नीचे एंडोथीसियम, फिर इसके नीचे मिडिल लेयर, फिर इसके नीचे टेपिडम। तो टेपिडम सबसे आंतरिक भित्ति होती है, ठीक है, जो क्या कार्य करेगी, प्राकणों को पोषण प्रदान करने का इसका मुख्य कार्य होता है। तो ये मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो आप लोग इसके चारों ओर, सभी के चारों ओर ऐसी भित्तियों का निर्माण कर लोगे, ठीक है। तो ये क्या है एक, अब देखो ये मैंने यहाँ पे ये से बना रखा है, ये बीजाणु जन्म ऊतक। इसका मतलब ये क्या है, ये प्राकोष है वो अभी तक क्या नहीं हुआ है, परिपक्व नहीं हुआ है। क्योंकि जैसे ही ये परिपक्व होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये बीजाणु जन ऊतक होता है, इसकी प्रत्येक कोशिका होती है इसमें इतनी क्षमता होती है कि वो अर्धसूत्री विभाजन करेगी, और अर्धसूत्री विभाजन कर करके यहाँ पे लघु बीजाणुओं का निर्माण कर देगी। तो यहाँ पे ये हमारा प्राकोष है जो परिपक्व नहीं हुआ है। तो इसमें क्या पाया जाता है, ये अंदर की ओर बीजाणु जन ऊतक पाया जाता है, यानी स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये किसके अंदर होता है, इस लघु बीजाणु धानी के अंदर। तो लघु बीजाणु धानी के केंद्र में पाए जाने वाले ऊतक को हम बताओ क्या कहते हैं, बीजाणु जन ऊतक कहते हैं। ये आपके बोर्ड में पूछ सकता है कि बीजाणु जन ऊतक क्या है, तो आप क्या बताओगे कि लघु बीजाणु धानी के अंदर पाए जाने वाले ऊतक को हम क्या बोलते हैं, बीजाणु जन ऊतक, जिसकी प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु मात्र की तरह कार्य करती है और अर्धसूत्री विभाजन करके वो लघु बीजाणुओं का निर्माण कर सकती है, ठीक है। तो इस टाइप से आप, जैसे मैंने यहाँ पे भित्ति बना रखी है, तो आप ये डायग्राम बनाए, तब आप इन सभी के चारों ओर ऐसी भित्तियाँ बना लेना, ठीक है। तो देखो जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रत्येक प्राकोष होता है, प्राकोष की चारों ओर कितनी भित्तियाँ पाई जाती है, चार भित्तियाँ पाई जाती है। तो प्राकोष की चारों ओर चार भित्तियाँ पाई जाती है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे एनसीईआरटी में बता रहे लघु बीजाणु धानी के चारों ओर चार भित्तियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे ये लघु बीजाणु धानी तो है, तो इसकी चारों ओर कितनी भित्तियाँ हो गई, चार भित्तियाँ हो गई। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्राकोष की कितनी भित्तियाँ होती है, चार भित्तियाँ होती है। तो देखो फर्स्ट होती है एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथीसियम, थर्ड मिडिल लेयर, फोर्थ टेपिडम। तो ये टेपिडम के बाहर की ओर जो तीनों परतें होती हैं, इनका कार्य होता है मेन सुरक्षा प्रदान करना। इसके अलावा प्राकोष के स्फुटन में सहायता करती है। तो मतलब आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने सुना होगा अगर थोड़ा बहुत ये पढ़ा है, कि जो एंडोथीसियम होती है उसका मेन कार्य होता है प्राकोष के स्फुटन का। लेकिन इसके साथ साथ एपिडर्मिस और मिडिल लेयर, ये दोनों भी प्राकोष के स्फुटन में सहायता प्रदान करती है। तो ऑप्शन में आ जाए, अगर उपरोक्त सभी आ जाए तो आपको उपरोक्त सभी करना है। अगर केवल मतलब ये चारों में से आ जाए कि प्राकोष के स्फुटन में सहायता कौन करती है, तो वहाँ पे आएगा एंडोथीसियम, और टेपिटम की जगह उपरोक्त सभी आ जाए तो आंसर आप कौन सा करोगे, उपरोक्त सभी वाला। क्यों, क्योंकि ये भी हेल्प करती है प्राकोष के स्फुटन में। एनसीईआरटी में लिख रखा है कि बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम और मध्य परत, तीनों क्या कार्य करती है, सुरक्षा का, और प्राकोष के स्फुटन में सहायता करती है, ठीक है। तो देखो ये मैंने एक नोट डाल के लिखा है कि जो परिपक्वन प्राकोष होता है उसमें टेपिटम एंड मिडिल लेयर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कैसे, क्योंकि जो मिडिल लेयर है, मैंने बताया आपको कि मिडिल लेयर है वो पेरेन्काइमा कोशिकाओं की मिलकर के बनी हुई होती है। तो इसका मेन कार्य होता है भोजन का स्टोरेज करना। तो ये क्या करती है, भोजन का निर्माण करती है और अपने भोजन को टेपिडम को दे देगी, और टेपिडम अपना भोजन किसको देता है, लघु बीजाणुओं को यानी कि प्राकणों को प्रदान कर देता है। तो जैसे जैसे प्राकोष परिपक्व होता है तो ये दोनों कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। और एक परिपक्व प्राकोष में कितनी भित्तियाँ पाई जाती है, दो भित्तियाँ पाई जाती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि एक परिपक्व जो प्राकोष होता है तो उसमें कितनी भित्तियाँ होती है, दो ही होती है। क्यों, क्योंकि ये दो कैसी हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं आप लोगों के, जैसे मैंने जिम्नोस्पर्म तक कंप्लीट कर लिया है, तो एक वीडियो में आपको क्वेश्चनों का डालूंगी, ठीक है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा। ये कैसी होती है,
एक कोशिकीय होती है और ये लघु बीजाणु की सबसे बाह्यतम परत होती है। आप लोगों को इसका इतना ही ध्यान रखना, और इसका कार्य क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा देखो एंडोथीसियम, एंडोथीसियम ये भी कैसी होती है, एक कोशिकीय परत होती है और इसकी अरीय व आंतरिक भित्तियों पर अल्फा सेलुलोज का स्थूलन पाया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि अल्फा सेलुलोज का स्थूलन प्राकोष की कौन सी भित्ति में पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, एंडोथीसियम। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से ये आता है कि जो ये एंडोथीसियम होता है, एंडोथीसियम भी अल्फा सेलुलोज का स्थूलन पाया जाता है। तो मान लो जैसे ये प्राकोष की भित्ति है, तो यहाँ पे ये ऐसे करके यहाँ पे ये अल्फा मतलब इनका स्थूलन पाया जाता है। तो जहाँ पे स्थूलन नहीं होता यहाँ पे एक पार्ट होता है, यहाँ पे इनका स्थूलन नहीं पाया जाता, यानी कि अल्फा सेलुलोज नहीं होता है यहाँ पे, तो उस भाग को हम बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं, स्टोमियम, ठीक है, स्टोमियम बोलते हैं। तो ये स्टोमियम सेल्स होती है वो किसके सहायता करती है, प्राकोष के स्फुटन में। तो ये अल्फा सेलुलोज के कारण ये एंडोथीसियम कैसी होती है, आर्द्रता ग्राह्य प्रकृति की होती है, ठीक है, तो वायुमंडल से आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है। जैसे ही ये परिपक्व होगा, कौन, प्राकोष परिपक्व होगा, तो वो शुष्क होकर के ये प्राकोष क्या हो जाएगा, स्फुटित हो जाएगा। तो उसके स्फुटन में, उस स्फुटन के साथ साथ ये स्टोमियम कोशिकाएं होती है वो भी अलग हो जाती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्टोमियम कोशिकाओं का अलग होना ही क्या कहलाएगा, प्राकोष का स्फुटन कहलाएगा, ठीक है। तो देखो ये आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है, उसका मेन कार्य क्या होता है, प्राकोष का स्फुटन। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख लेना कि इसका कार्य क्या होता है, प्राकोष का, प्राकोष का स्फुटन, ठीक है। मेन कार्य इसका क्या होगा, एंडोथीसियम का, प्राकोष का स्फुटन। तीसरी है देखो मिडल लेयर, ये 2 से 3 कोशिकीय मोटा स्तर होता है, ठीक है, दो से तीन कोशिकीय मोटा स्तर होता है। किसकी बनी होती है, यहाँ पे लिखने ना, पेरेनकाइमा उत्तक की बनी हुई होती है, जिसके कारण ये क्या कार्य करती है, भोजन संग्रहण का कार्य करती है। तो आप इसका लिख लेना, ये भोजन संग्रहण का कार्य करती है। तो देखो ये जो ऊपर वाली 3 परतें हैं, ये संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती हैं तथा प्राकोष के स्फुटन में भी मदद करती है। मेन प्राकोष के स्फुटन में सहायक होती है, मेन कौन सी होती है, एंडोथीसियम, इसके अलावा दोनों भी हेल्प करती है। अब देखो चौथी परत हम पढ़ेंगे टेपिटम, और इस टेपिटम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेपिटम बताओ कौन सी परत होती है, 4th परत होगी, यानी प्राकोष की सबसे आंतरिक भित्ति होती है कौन, टेपिटम। तो प्राकोष की सबसे आंतरिक भित्ति कौन सी होती है, टेपिटम होती है। अब देखो इसकी विशेषताओं के बारे में आपको एक एक चीज़ ध्यान रखनी है। ये सघन जीवद्रव्य युक्त होती है और एक से अधिक इसमें केंद्रक पाया जाता है। देखो इसमें प्रारंभ में क्या होता है कि जो टेपिटम की कोशिका होती है उसमें एक ही केंद्रक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मुक्त केंद्र की विभाजन होता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, यानी कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो इसके केंद्र में बार बार माइटोसिस के द्वारा डिवीजन होता जाता है और इसमें बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इसीलिए टेपिटम बताओ कैसी होती है, बहुकेंद्रीय होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें मुक्त केंद्र के विभाजन पाया जाता है, जिससे इनके डीएनए की मात्रा होती है वो भी दुगनी हो जाती है। तो आप ये पॉइंट भी लिख लेना कि जो टेपिटम की कोशिका होती है बहुकेंद्रीय होती है, यानी कि मुक्त केंद्र के विभाजन के द्वारा ये कैसी होती है, बहुकेंद्रीय हो जाती है, और इनमें डीएनए की मात्रा भी क्या होती है, दुगनी होती है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, डीएनए की जो मात्रा होती है वो भी कैसी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, ठीक है। डीएनए की मात्रा भी कैसी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। इसके अलावा प्रारंभ में ये बताओ कैसी होती है, द्विगुणित होती है, बाद में कैसी होती है, बहुगुणित हो जाती है। तो ये टेपिटम की विशेषता होगी कि सघन जीवद्रव्य युक्त होगी। क्यों होगी, ऐसी विशेषता क्यों होती है, इसमें ऐसी विशेषता क्यों होती है कि डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, बहुकेंद्रीय की होती है, बहुगुणित होती है, क्योंकि ये प्राकणों को पोषण प्रदान करती है, ठीक है। तो प्राकणों को पोषण प्रदान करेगी, कब करेगी, जब खुद के पास पोषण होना चाहिए, इसके पास पोषण होगा तभी तो ये प्राकणों को पोषण प्रदान करेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कौन सा विभाजन होता है, मुक्त केंद्रीय विभाजन होगा, जिसके कारण इसमें डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है और ये क्या करती है, प्राकणों को पोषण प्रदान करती है। इसके अलावा भी इसके और कार्य होते हैं, हम पढ़ेंगे। ये मैंने एक नोट लिखा है, ये एक्स्ट्रा में है, बोर्ड वाले बच्चों को मतलब ये इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन कंपटीशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि टेपिटम होती है 2 टाइप की होती है, एक तो होती है अमीबी टेपिटम और एक होती है ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम। जो अमीबी टेपिटम होता है, मतलब जो टेपिटम होता है, तो उसका जो प्रारंभिक भाग होता है
उसको हम बोलेंगे अमीबेट एपिटम। तो अमीबेट एपिटम क्या करती है, लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो मेन कार्य क्या होता है अमीबेट एपिटम का, पोषण प्रदान करना। इसके अलावा स्रावी या ग्रंथिल, देखो नाम से पता चल रहा है स्रावी, तो यह क्या करती है टेपिटम, ये स्पोरोपोलेलिन प्राकीट और कुछ प्रोटीनों का श्रावण करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेपिटम का कार्य क्या हुआ कि स्पोरोपोलेलिन का भी सिक्रेशन करती है, प्राग कीट का भी श्रावण करती है, इसके अलावा कुछ प्रोटीनों का भी ये श्रावण करती है। अब ये प्राग कीट क्या होता है, स्पोरोपोलेलिन क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब देखो टेपिटम के कार्य, तो बोर्ड में भी आप लोगों को टेपिटम के कार्य पूछा जा सकता है, ठीक है, और कंपटीशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो देखो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, टेपिटम का मुख्य कार्य परिवर्तित होते हुए लघु बीजाणु, लघु बीजाणु या फिर हम क्या बोल सकते हैं पराग कण, क्योंकि लघु बीजाणु को तो हम प्रागकण बोलते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, परिवर्तित होते हुए प्रागकणों यानी कि प्रागकणों या लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। दूसरा है देखो ये यूबिस का यानी यूबिस बॉडी का स्राव करती है जो प्रागकणों के भाईचोल के अलंकरण में सहायता प्रदान करती है। इसका मतलब ये है देखो कि जो टेपिटम की कोशिकाएं होती है, जैसे प्रागकण पढ़ेंगे हम, प्रागकण पढ़ेंगे तो प्रागकणों के चारों ओर दो भीतियां होती है, एक तो होती है बाह्यचोल और एक होती है अंतःचोल, यानी बाह्यचोल को हम क्या बोलते हैं एक्जाइन और अंतःचोल को हम क्या बोलते हैं इंटाइन। तो जब प्रागकणों का निर्माण करता है होता है तो ये पोषण तो प्रदान करती है, इसके साथ साथ ये जो इसकी बाह्य भित्ति होती है यहाँ पे ये यूबिस बॉडी यानी यूबिस काय, काय एक मतलब एक पदार्थ होता है, ठीक है, यूबिस बॉडी, तो यूबिस बॉडी का सिक्रेशन करती है जिससे ये जो भाईचोल होती है इस पर किसका निर्माण होता है स्पोरोपोलेनिन का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है स्पोरोपोलेनिन के निर्माण होता है, जिसके कारण ये जो भाईचोल होती है वो अलंकृत दिखाई देती है। अलंकृत का मतलब होता है कि मतलब विशेष आकार की दिखाई देती है, कौन भाईचोल। तो अलग अलग जो प्लांट होते हैं तो उनके जो प्रागकण होते हैं उसका आकार कैसा हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, किसके कारण भाईचोल के कारण, ठीक है। तो देखो ये यूबिस काय प्रदान करती है जो प्रागकणों के भाईचोल के अलंकरण में सहायता करती है, अलंकरण में यानी उसके डिजाइन में, अलंकरण का मीन्स क्या हुआ डिजाइन की। तो प्रागकणों की जो बाह्य भित्ति होती है वो कैसी होती है डिजाइन युक्त होती है यानी कि अलंकृत युक्त होती है। इनकी बाह्यचोल किसकी बनी होती है स्पोरोपोलेलिन की, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्पोरोपोलेलिन का सिक्रेशन भी कौन करता है टेपिटम। तो टेपिटम का कार्य क्या हो गया लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है, सेकंड मेन कार्य हो गया कि स्पोरोपोलेलिन का निर्माण करती है या फिर यूबिस बॉडी प्रदान करती है। तीसरा इसका देखो तीसरा इसका कार्य है कि टेपिटम की कोशिकाएं हार्मोन का श्रावण करती है, यस टेपिटम की कोशिकाएं हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है और इसके अलावा एंजाइम का भी सिक्रेशन करती है, कौन से हार्मोन का IAA इंडोएसिटिक एसिड। तो याद रखना कि टेपिटम की कोशिकाएं एंजाइम हार्मोन दोनों का सिक्रेशन करती है। एंजाइम कौन सा होता है टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा केलेज एंजाइम का श्रावण किया जाता है। केलेज एंजाइम क्या होता है जिसे हम ऐसे पढ़ेंगे कि जो लघु बीजाणुधानी होती है, ठीक है, लघु बीजाणुधानी होती है किसी 2N, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, चार लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। अब ये चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं किसके द्वारा केलोज परत के द्वारा, किसके द्वारा जुड़े होंगे केलोज परत के द्वारा। तो जो टेपिटम की कोशिका क्या करती है केलेज एंजाइम का सिक्रेशन करती है, किसका सिक्रेशन करती है केलेज एंजाइम का सिक्रेशन करती है, जिससे इस केलोज परत पाई जा रही है इनके बीच में उसका अपघटन हो जाता है और चारों लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, चारों बीजाणु कैसे हो जाएंगे मुक्त हो जाएंगे। तो टेपिटम की कोशिकाएं होती है वो केलेज एंजाइम का श्रावण करती है जिससे चारों लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे मुक्त हो जाएंगे। तो देखो चारों लघु बीजाणु आपस में केलोज परत के द्वारा जुड़े होते हैं जिसका अपघटन केलेज एंजाइम द्वारा किया जाता है, ये मैंने लिख रखा है। अब हम पढ़ेंगे कि टेपिटम की कोशिकाएं पोलन किट का श्रावण करती है, तो 5 इसके प्रमुख कार्य हो गए। पोलन किट क्या होती है देखो, जैसे जो प्रागकण होते हैं पोलन किट एक प्रकार की एक परत होती है, प्रागकणों के बाहर की ओर एक परत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं पोलन किट, जो वसा और केरेटिनोइड की बनी होती है, किसकी बनी होती है वसा एवं केरेटिनोइड की बनी हुई एक परत होती है पोलन किट, तो जिसके कारण क्या होते हैं प्रागकण चिपचिपे होते हैं। तो पोलन किट का निर्माण कौन से प्रागकणों में होता है, जैसे जो जो पुष्प होते हैं जिनका जो प्रागकण होता है इनकी प्रागगण यानी पोलिनेशन होता है वो कीटों के द्वारा होता है, मतलब कीट क्या करते हैं प्रागकणों को एक पादप से दूसरे पादप पर स्थानांतरण करते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो प्रागकण होते हैं उनके चारों ओर चिपचिपावरण पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं पोलन किट बोलते हैं, और चिपचिपावरण किसके कारण होता है वसा और केरेटिनोइड के कारण। तो जिसके कारण प्रागकण क्या होते हैं वो चिपचिपे होते हैं और कीट की सतह से चिपक जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पोलन किट होती है वो प्रागकणों को
किससे सहायता प्रदान करती है, जो सूर्य से आने वाले हानिकारक जो प्राबैंगनी विकिरण है उनसे बचाती है, ठीक है। इसके कारण परागकण क्या होते हैं, दूसरी विशेषता हो गई कि परागकण मतलब जो पोलन कीट होते हैं, तो पोलन कीट के कारण परागकणों में विशेष रंग भी पाया जाता है और स्मेल भी आती है, यानी कि गंध भी पाई जाती है। तो देखो टेपिटम की कोशिकाएं पोलन किट का श्रावण करती है, और पोलन किट किसकी बनी होती है, वसा एवं किटनोइड की एक परत होती है जो प्राकणों के बाहर की ओर होती है। तो पोलन किट के कारण प्राकण बताओ कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, जिसके कारण प्राकण कीट की सतह से चिपक जाते हैं। इसके अलावा पोलन किट होती है प्राकणों को सूर्य की हानिकारक प्राबैंगनी विकिरणों से बचाती है, इसके कारण प्राकणों में विशेष रंग व गंध पाई जाती है। तो इसके पॉइंट हो गए। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको लोगों को ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी पोलन किट की विशेषता नहीं है। अब जैसे आपको बोलते हैं कि पोलन किट वसा कैरोटीनॉइड की बनी होती है, तो ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन आपको दे दें कि इसके कारण प्राकण चिपचिपे होते हैं, ये भी सही है। तीसरा दे दें कि इसके कारण विशेष रंग व गंध पाई जाती है, ये भी सही है। चौथा है कि ये प्राकणों को मतलब सूर्य की हानिकारक प्राबैंगनी विकिरणों से बचाती है, ये भी सही है। पांचवा ऐसे दे दें कि ये मतलब प्राकणों को पोषण प्रदान करती है, तो ये रोंग हो गया, ठीक है। ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है पोलन किट के बारे में, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बीजाणुजन ऊतक। अब प्राकोष की चारों भीतियाँ हो गई, चारों भीतियों में टेपिटम का कार्य पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे जैसे लघु बीजाणुधानी, हमने पढ़ा था कि लघु बीजाणुधानी इसकी चारों ओर चार भीतियाँ होंगी, इसके बीच में एक उत्तक पाया जाता है जिसकी बात मैंने अभी की थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीजाणुजन उत्तक। तो बोर्ड वाले बच्चों को ये पूछ सकते हैं, एक नंबर का या दो नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बीजाणुजन उत्तक क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो देखो लघु बीजाणुधानी के अंदर बीजाणुजन उत्तक पाया जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया कि इसके अंदर कौन सा उत्तक पाया जाता है, बीजाणुजन उत्तक पाया जाता है। इसकी प्रत्येक कोशिका किसकी तरह कार्य करती है, एमएमसी की तरह कार्य करती है। एमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये भी बताओ कैसी होती है, 2N। लघु बीजाणुधानी भी कैसी होती है, 2N। ये बीजाणुजन उत्तक भी कैसा होता है, 2N। सभी स्पोरोफाइट के पार्ट है तो 2N होंगे। तो देखो लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कैसी होती है, द्विगुणित होती है। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है उसमें क्या होता है, लघु बीजाणु जनन होता है, उसके द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो देखो ये समझ में आ गया होगा कि लघु बीजाणुधानी होती है, उसके अंदर बीजाणुजन उत्तक पाया जाता है। इसकी प्रत्येक कोशिका किसकी तरह कार्य करती है, एमएमसी की तरह, यानी कि इसकी प्रत्येक कोशिका में इतनी क्षमता होती है कि वो अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणुओं का निर्माण कर सकती है। और एक लघु बीजाणुधानी यानी कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है एमएमसी, इस एमएमसी से कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, चार लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं का निर्माण होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन, जिसके बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।